कि कुछ दिनों के बाद मैं ये वीडियो शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि स्टॉक मार्केट में आपने देखा बहुत वोलाटिली रही, और ये वोलाटिलिटी में जो नए इन्वेस्टर हैं वो फंस जाते हैं, और सवाल ये है कि अब मार्केट कैसा रहेगा। तो देखो, मैं आपको बता दूं कि एफआई फॉरेन इन्वेस्टर्स ने चंद कुछ दिनों में करीब 50,000 करोड़ रुपये की बिकवाली की है। ये इतना बड़ा संकेत है इलेक्शन के चुनावों के नतीजे के बारे में, शायद वो कुछ हिंट दे रहे हैं एफआईआई, क्योंकि वो हमसे भी ज़्यादा इन्फॉर्म्ड रहते हैं। तो बात ये है कि जो ग्लोबली लोग ऐसा नहीं मान रहे हैं कि मोदी जी की सरकार फिर से आएगी, लेकिन आपने अब तक देखा होगा कि ग्लोबल क्लूज को हमारी मार्केट ज़्यादा तवज्जो नहीं दे रही है। कुछ भी हो जाए, लेकिन एक बात तय है कि मोदी जी अपने एनडीए के साथियों के साथ अगली सरकार बनाएंगे। इसका मतलब यह है कि हमारी मार्केट खूब चलेगी, और जितने समय वो गिरेगी वो हमारे लिए अच्छा है कि हमें मौके मिलेंगे। तो अब आपको स्मार्टली इन्वेस्ट करना है मार्केट में, अच्छे चुनिंदा शेयरों को अपने पोर्टफोलियो में रखना है कम से कम 1-2 साल के लिए, तो बढ़िया रहेगा। अगर मैं आपको बताऊं कि वोडाफोन आइडिया की जो अब करीब 13 रुपये में मिल रहा है, उसका भाव अगले 2 साल में 26 रुपया हो जाएगा, तो आप वोडाफोन आइडिया को ले लीजिए, अपने पोर्टफोलियो में रखिए। HDFC बैंक जो अब भी 1500 रुपये के नीचे मिल रहा है, उसका भाव अगले 2 साल में 2000 तक जा सकता है। टिस्को भी अभी बहुत कम दाम में मिल रहे हैं, मेटल में बहुत सारी चमक आने वाली है। आपने वेदांता देखा बहुत बढ़ गया, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया देखा बहुत बढ़ रहा, अब भी बढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल मैं ये मान के चलता हूँ कि टिस्को आप जितना कर सकें एक्युमुलेट कर लें, इसका प्राइस बहुत ही बढ़ने वाला है। एक चीज़ बताऊँ कि ETF के बारे में अगर आपने कुछ नहीं सुना है या आप कम जानते हैं, तो आप ETF के बारे में थोड़ा सा सर्च कर लें और ETF खरीदना शुरू करें। आप नहीं मानेंगे कि ETF के जरिए हम अपना घर चला सकते हैं। कैसे, वो आप जैसे जैसे इसमें इंडल्ज होंगे आपको पता लगने लगेगा। मैं जो ETF आज के वीडियो में आपको बता रहा हूँ वो है CPSE, मतलब जो पब्लिक अंडरटेकिंग है उसमें आप इन्वेस्टमेंट करना शुरू करें। वो शायद अभी 75 रुपीज़ के आसपास मिल रहा है, इलेक्शन के बाद इसके भाव 125 तक जाएंगे, क्योंकि जितने गवर्नमेंट के जो पब्लिक सेक्टर के यूनिट है, जैसे आपने देखा
हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड, मैं बोल ही रहा था 4000 से ऊपर चला गया वो। कोचिन शिपयार्ड, मजगांव डॉक, भारत डायनेमाइक, 356 वाला शेयर आज 1900 तक पहुंचा है। तो ये सब कंपनियां, बेल है, भारत हेवी इंडस्ट्रियल, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, BEL है, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, NHPC है, नेशनल हेवी पावर, नेशनल हाइड्रो पावर कंपनी NHPC, वो भी बढ़िया है। इन सब शेयरों को परचेस करने के बजाय आप CPSE यूनिट के ETF खरीद लेंगे तो इसमें आपको फायदा होगा। इसमें आप देखिए, जो मेरा एक्सपीरियंस है उस पर से मैं बोल रहा हूँ कि निपोन डेनरो का जो म्यूचुअल फंड है उसके ETF का परफॉर्मेंस इसमें अच्छा है। फिर आप निफ्टी 50 के ETF ले सकते हैं, निफ्टी 50 नेक्स्ट 50 वाले ETF ले सकते हैं, IT के ETF ले सकते हैं, बहुत सारे ETF हैं, आप खुद रिसर्च करके ETF ले लीजिए, वो सस्ते मिलते हैं और उसमें उसके बास्केट में जो शेयर है वो जैसे जैसे बढ़ेंगे ETF की वैल्यू अपने आप बढ़ने लगेगी। मैंने खुद कल CPSE के ETF लिए निपोन डेनरो के और सिर्फ 2 दिन में 30% का रिटर्न मुझे मिल गया, मतलब 75 रुपीज़ का जो शेयर है उसका भाव करीबन 80 तक पहुंच गया, करीबन। तो वो 80 रुपये, मतलब एक ETF के आपको 5 रुपये मिले, अगर आपने 500 ETF मिले हैं लिए हैं तो आपको 2500 रुपये मिल गए, उसमें से आधा आप सेल कर दो, 1250 रुपये निकाल लो, उसमें से आप 1-2 दिन तक आपका घर चला पाओगे। और ये श्योर बेट है, मैं आपको बताऊं, ETF जो है वो बहुत सिक्योर्ड है। आप IT का सेक्टर लीजिए, उसके दाम अभी कम है IT में, तो जैसे इंफोसिस, TCS, टेक महिंद्रा, विप्रो, HCL टेक्नोलॉजी, जैसे जैसे ये IT सेक्टर वाले सेल शेयर बढ़ेंगे तो पूरा बास्केट जो है वो ETF कवर करता है, तो इसमें आपको अच्छा मुनाफा मिल जाएगा और इन्वेस्टमेंट भी कम करना पड़ेगा। ऑटो सेक्टर के है, मीडिया के ETF है, उसमें से जो सेक्टर आपको प्रॉमिसिंग लगे उसके ETF आप अवश्य लें। फिलहाल तो मेरा यही लक्ष्य है कि आप CPSE के ETF सर्च करके देखें, निपोन डेनरो में अच्छा रिजल्ट है, वो आप ले लीजिए। और इलेक्शन के बाद ये सारे सरकारी साहस के जो शेयर है वो बहुत बढ़ने वाले हैं, मेटल के ETF भी आप ले सकते हैं, आपके पैसे 1 से 4 साल में डबल होंगे। अलग अलग ETF की मैं बात कर रहा हूँ, जैसे हो सकता है गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर यूनिट्स के शेयर बहुत बढ़ेंगे तो आप इसके ETF में पैसा लगाएंगे तो करीबन 1-1.5 साल में पैसे डबल हो जाएंगे। इस तरह IT का है, IT में अब जब भी बूम आएगा वो भी बढ़ने वाले हैं, हमें पता है। अब हम कल के मार्केट की बात कर लें,
तो देखिए आज अमेरिका के सीपीआई डेटा आने वाले हैं, लगता है पॉजिटिव आएगा क्योंकि आज नास्डेक और डाउ जोन्स दोनों अप है। डाउ जोन्स तो 200 पॉइंट से भी ऊपर पॉइंट है, अप प्लस है, और नास्डेक भी करीब 150 पॉइंट से अप है। हालांकि गिफ्ट निफ्टी थोड़ा सा डाउन दिखा रहा है, लेकिन ये डिसिसिव डाउनिंग लगती है मुझे। तो मेरा ऐसा मानना है कि कल मार्केट गैप अप ही खुलने वाला है, या तो थोड़ा सा गैप डाउन खुलने के बाद आफ्टर सम टाइम मार्केट सरप्राइज मूव देगा और बढ़ेगा। आप एक चीज कर सकते हैं, जो ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए ये बात है, थोड़े महंगे मिलेंगे लेकिन 4 जून के कॉन्ट्रैक्ट आप अब इंडेक्स इसको देखते देखते लेना शुरू कर सकते हैं। शायद जून की एक्सपायरी बैंक निफ्टी की 5 जून को है, मतलब कि रिजल्ट का इम्पैक्ट उस पर हमें दिखेगा। तो अगर बाजार के एक्सपेक्टेशन के अनुसार ये रिजल्ट आएंगे तो 5 जून वाला जो ऑप्शन है का जो कॉन्ट्रैक्ट है उसमें भाव अवश्य बढ़ेंगे। आप बैंक निफ्टी का 47,500 का कॉल ले सकते हैं इसी एक्सपायरी का, या फिर 5 जून वाली एक्सपायरी का आप ले लीजिए, महंगा रहेगा। लेकिन जैसे मैंने एक दो दिन पहले उनके भाव देखे थे तो करीबन 1400 तक का भाव था। तो आप देखिए इसको थोड़ा डाउन होने दे, एक आध एक्सपायरी जाने दे, लेकिन एटलीस्ट एक एक्सपायरी इन एडवांस आप, मतलब के जैसे आज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी हुई 15 तारीख को, नेक्स्ट जो होगी वो 22 तारीख को होगी, निफ्टी की 16 तारीख को होगी और वो 23 को होगी नेक्स्ट। तो आप उस एक्सपायरी तक भावों की मूवमेंट देखें और 4th-5th जून वाली जो 4th और 5th जून वाली जो एक्सपायरी है बैंक निफ्टी और निफ्टी की, उसके कॉन्ट्रैक्ट आप ले लीजिए। मेरा मानना है कि मार्केट जब बढ़ेगा तो करीबन 2000 पॉइंट का मूव और आएगा, तो उसमें आपको अच्छा मुनाफा होगा। आप लार्सन एंड टोब्रो का कॉल ऑप्शन 3400 का या 3450 का ले लीजिए नेक्स्ट एक्सपायरी का, जून का बढ़ेगा वो शेयर, बहुत बढ़ेगा। जितनी एक्सपायरी दूर होती है उतने शेयर उसका ऑप्शन महंगा होता है, लेकिन उसमें आपको आप श्योर है कि अभी ये एक्सपायरी के अगर मान लीजिए 10 दिन बचे हैं तो प्रीमियम गलता जाएगा, लेकिन जो कॉल आपने खरीदा होगा नेक्स्ट एक्सपायरी का उसका प्रीमियम इतना नहीं गलेगा, गलेगा लेकिन बहुत कम गलेगा, और जब मार्केट बढ़ेगी तो वो इमीडिएटली पैच अप कर लेगा। तो आप ये मान के चले कि 4th जून को वोट काउंटिंग है, बाजार में बहुत उतार चढ़ाव होगा उस दिन, और हमारा जो एक्सपेक्टेशन है और बाजार का भी यही एक्सपेक्टेशन है कि मोदी जी 100% नेक्स्ट गवर्नमेंट फॉर्म कर रहे हैं, क्योंकि अभी जो न्यूज़ आते हैं केजरीवाल जी के बारे में या इंडिया गठबंधन के बारे में, वो मैं आपको बताऊं कुछ हिस्सों में उनकी अहमियत हो सकती है, ऐसा मैं नहीं मान रहा हूँ, पंजाब है, दिल्ली है या हरियाणा है, और मोदी जी की जो सीटें हैं वो 400+ बता रहे हैं, लेकिन हो सकता है 350 आए, 300 आए तो वो भी
टू फॉर्म ए गवर्नमेंट, वो भी बढ़िया है। तो मार्केट बढ़ेगी, आप आराम से इन्वेस्ट करिए, बने रहिए और देखिए आप कितने पैसे बनाते हैं। हैव ए नाइस ट्रेडिंग सेशन टुमारो।